डेढ़ माह पूर्व वृंदावन में बोलेरो चालक को बंधक बनाकर बोलेरो और नकदी और मोबाइल लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक छात्र बदमाश को दबोचा है। वृंदावन पुलिस की पकड़ में आया ये युवक देखने में तो बहुत ही साधारण लग रहा है, लेकिन नहीं जनाब, सीधा सा दिखने वाला ये युवक छात्र गिरोह का छात्र सदस्य है। हम आपको बता दें कि 29 मार्च को मगेरा के जंगलों में चार अज्ञात बदमाशों ने बोलेरो में लिफ्ट मांगकर न सिर्फ बोलेरो चालक की पिटाई की, बल्कि उसकी बोलेरो, 2500 रुपए की नकदी, मोबाइल लूटकर उसे जैत क्षेत्र में पटक दिया। पुलिस काफी समय से इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। इसी बीच में पुलिस को सूचना मिली कि इस लूट में शामिल सादाबाद जिला हाथरस निवासी पंकज ठाकुर वृंदावन के मगेरा बाटी चौराहे के पास कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर पंकज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से लूटी गई बोलेरो और एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस लूट की घटना के खुलासे को लेकर हुई पत्रकार वार्ता में एसपी क्राइम द्वारा जानकारी दी गई। जी सर, बताएं पुलिस को। ये 29-30 मार्च की रात को एक बोलेरो को, बोलेरो के अंदर जो श्री नवीन श्रीवास्तव करके जो ड्राइवर थे, उनको मारपीट कर घायल करके जेत चौकी के पास डाल दिया गया था। और उनके द्वारा बाद में बताया गया था कि उनकी बोलेरो को धौलपुर से कर लाया गया था, और उनके द्वारा उनकी बोलेरो को, उनके मोबाइल को 25 रुपये छीन लिए गए थे। इसके संबंध में एक टीम गठित की गई थी, और उसी संबंध में 28/4/2019 को बोलेरो की बरामदगी की गई थी, और बाबू दीपक और बाबू को गिरफ्तार किया गया था वृंदावन पुलिस द्वारा। और उसके अलावा एक छात्र गैंग है, इसके अंदर ये चार लोग हैं, एक टिंकू है, उसके अलावा पंकज ठाकुर है और एक अरुण है। टिंकू को सादाबाद पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर लूट में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, और पंकज ठाकुर को वृंदावन पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है, और अरुण ठाकुर की गिरफ्तारी भी बाकी है। साधना कौन है ना इसका?